खबर छुपी लाइव, आपकी खबर पेज ऐसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया कि देश अब आत्मनिर्भर बनेगा और अपने बलबूते कोरोना के बाद एक बार फिर से उठ खड़ा होगा। लेकिन धरातल पर इसकी हकीकत क्या है, आज हम आपको दिखाएंगे। या सिर्फ नारा ही है या फिर वाकई में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है? क्या गांव में हुनरबंद को काम मिल रहा है या फिर छोटी इकाइयां और फैक्ट्रियां एक बार फिर से सरकार की मदद के बाद चल रही हैं? दरअसल कोरोना काल के बाद जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है, लेकिन कोरोना ने जिस तरह का जख्म दिया है उससे वर पाना इतना आसान भी नहीं है। और यही वजह है कि छोटे व्यापारी व हुनरमंद मजदूर आज काम और दाने दाने को मोहताज हैं। ऐसे ही एक व्यापारी से हम आपको मिलवाएंगे जिन्होंने एक गांव में कामगारों को काम देने के मकसद से सिलाई फैक्ट्री का सृजन किया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन कोरोना काल के बाद उनकी इकाई जब बंद हुई तो आज तक वह चालू नहीं हो सकी, क्योंकि फैक्ट्री को चलाने के लिए व्यापारी प्रमोद चौधरी ने 25 लाख का लोन लिया था और इसके लिए प्रमोद ने बैंक को घर के कागजात सहित 10 लाख की FD भी जमा की थी। काम बढ़िया चल रहा था उधर लॉकडाउन के पहले, जब से लॉकडाउन हुआ जब से काम बिल्कुल काम मिल नहीं पा रहा है, हम लोग परेशान हैं। परिवार चलाना मुश्किल है, हम लोग का यही रोजगार है और कुछ जिंदा ही नहीं। तो फैक्ट्री तो बंद हो गई, अब बंद ही है सर, जब काम नहीं है तो बंद ही समझ लो, काम मिल ही नहीं रहा है। जब से अभी तो ड्रेस सिलने का काम चल रहा है पूरे जिले में, यहाँ काम नहीं दिया, यहाँ काम मिल ही नहीं रहा है। जब सेठ को सेठ जा रहे हैं काम लेने, काम ऊपर से आ ही नहीं रहा उनके पास, तो हम लोग कैसे मिलेगा? क्या कमीशन का चक्कर होगा सर? हम लोग तो कमीशन क्या है तो वे लोग जाने। आप लोग को समस्या हो रही परिवार चलाने? सर बहुत दिक्कत है, जब से लॉकडाउन हुआ तब से और दिक्कत है, नहीं मिल पा रहा है। क्यों? बराबर काम ही नहीं हो पा रहा है, सेठ परेशान है, काम नहीं हो रहा है, लॉकडाउन में तो और हम लोग परेशान हो गए। फैक्ट्री बंद है? फैक्ट्री बंद है, देखो सब कुछ काम नहीं हो रहा है। कब से बंद है? उससे करीब यही लॉकडाउन के पहले से चालू था, जैसे लॉकडाउन हो तब से और परेशान हो गए, बंद हो गए, एकदम से ठप हो गए। आप क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं? सिलाई का काम करते हैं। ये सिलाई की फैक्ट्री है? हाँ सिलाई फैक्ट्री है, पहले चलती थी ठीक से? पहले चलती थी, पहले चलती थी, काम किए आज 2 साल से हम काम कर रहे हैं। अब कुछ नहीं मिल रहा काम? अभी नहीं मिल पा रहा, उधर तो काम कर रहे थे मिल रहा था। क्या नाम आपका? रामप्रीत। परेशान है, काम धंधा मिल नहीं पा रहा है, आज 1.5 साल से हम लोग परेशानी में चल रहे हैं। क्या करते हैं आप? सिलाई करते हैं। ये फैक्ट्री कब से बंद है? ये तो जब से लॉकडाउन लगा है तभी से बंद है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो अभी जो ड्रेस सिलाई का काम चल रहा है, यहाँ काम नहीं मिला? नहीं अभी नहीं मिला। तो क्या समस्या आ रही है काम ना मिलने की वजह से आप लोग? अभी जब काम नहीं मिला तो इसी वजह हम लोग को भी काम नहीं मिला है, परेशान है हम लोग। परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है? परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है, सब कुछ परेशानी है, कैसा कैसा हम लोग निभा रहे हैं तो ऊपर वाले जान रहे हैं। जैसे जैसे फैक्ट्री का काम आगे बढ़ा, जो लोन था उस लोन से मशीनें और अन्य जरूरत पूरी की गई, लेकिन अब उनके पास इतनी भी जमा पूंजी नहीं बची है कि वह एक बार फिर से अपनी इकाई को चालू कर सके। सल्टौआ ब्लॉक के भिरिया गांव में करीब 60 से अधिक हुनरमंद और कामगारों को इस सिलाई फैक्ट्री में नौकरी मिली थी और वह यहां काम कर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। लेकिन आज हालात ऐसे है कि गुलजार रहने वाली ये फैक्ट्री आज धूल फांक रही है और जो कामगार है वह भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। पहली चीज तो कोई भी लोन जब सैंक्शन होता है तो सैंक्शन के समय ही उसमें नियम और शर्तें जो निर्धारित हो जाती हैं और वो बीच में बदली नहीं जा सकती है, वो लोन अकाउंट जब तक चलेगा उन शर्तों में कोई चेंज नहीं हो सकता। जहां तक कोई यूनिट अगर सिक हो गई है उसको रिवाइव करने के लिए अब केस टू केस की स्टडी करके उनको कोई दूसरा फाइनेंस हम दे सकते हैं, लेकिन वो केस टू केस मामला देखने के बाद वो निर्णय लिया जाएगा कि वो
स्थिर परिस्थितियों को हर यूनिट से खोली है। हो सकता है वो हमारे मतलब जो कस्टमर है कुछ उनकी गलती से हुई हो या कुछ वो दैविक आपदा या ऐसी परिस्थितियां आई जो बियॉन्ड उनके कंट्रोल की, तो इसलिए केस टू केस वो निर्णय लिया जाएगा कि उसमें बैंक क्या कर सकता है। सर क्या वजह थी उनकी जो 10 लाख की एफडी है उसको बंधक बनाया गया? बंधक सर हर हमारा जो पुराना बैंक पूर्वांचल बैंक था तो बोर्ड द्वारा एक निर्गत बैंक का अपना बोर्ड था, उसमें हमारी जो लोन पॉलिसी थी उसके अंदर निर्धारित था कि जो गैर कृषि ऋण थे उसमें अगर 2 लाख से अधिक का कोई लोन हम करते हैं उस स्थिति में हमको ऋण राशि का करीब 1.25 गुना कोलेटरल सिक्योरिटी चाहे वो जमीन का कागजात गैर कृषि भूमि हो जिसका स्टैंप पेपर वो बंधक रखने को तैयार हो या उसके पास एफडी के पेपर हो वो बंधक रखने के लिए ऋण। फैक्ट्री मालिक प्रमोद चौधरी का कहना है कि उनके पास अब इतनी जमा पूंजी भी नहीं बची है कि वह अपनी फैक्ट्री को चला सके। बैंक से मदद के लिए उन्होंने कई बार कहा लेकिन उनके ना तो बैंक ने कोई मदद की और ना ही जिले के अधिकारियों से ही उन्हें कोई मदद मिली। अब आलम यह है कि बैंक से कर्जा लेने के बाद प्रमोद ने जिस इकाई को खड़ा किया था और वह बंद पड़ा है, जिस वजह से प्रमोद के सामने अब खुद रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सवाल ये उठता है कि सरकार ने यह दावा किया था कि गांव-गांव रोजगार सृजन किए जाएंगे ताकि कामगारों को उन्हीं के शहर और उन्हीं के इलाके में काम मिल सके, लेकिन यह सब दावे खोखले साबित हो रहे हैं और छोटी फैक्ट्रियां भी बंद हो जा रही हैं, जिस वजह से कामगारों को काम के लिए दर दर भटकना पड़ा है। बहरहाल प्रमोद जैसे न जाने और कितने ही छोटी छोटी इकाइयां चलाने वाले व्यापारी हैं जो आज कोरोना काल की वजह से घाटे में चले गए हैं और न ही सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद मिल रही है और न ही बैंक ही उन्हें कोई सहूलियत दे रहा है। शायद यही वजह है कि देश की आर्थिक स्थिति हर रोज बद से बदतर होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।